हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 पॉजिटिव के कुल मिला के 62 केसेस हुए हैं और इस वक्त 21 केसेस एक्टिव है। कांगड़ा जिले के पंचरुखी पुलिस स्टेशन के एक एचएससी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट का पहला केस है जो पॉजिटिव पाया गया है। देश में लगभग 70,000 केसेस हुए हैं और एक ही दिन में 3,600 केसेस हुए हैं और 2300 के लगभग डेथ्स हुए हैं। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसके लिए हम सबको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में सेकेंड बैटल इसीलिए शुरू हुआ कि जो बाहर राज्यों से हिमाचल प्रदेश हिमाचलवासी जो आए थे, ये कैरियर बने थे। इस कारण से अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो रेड डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश आएंगे उन्हें कंपल्सरीली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जो ऑरेंज या ग्रीन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के उपरांत सिम्टम पाए जाने पर वे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे, अन्यथा उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को आशंका है कि उनका डाटा लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और 6 महीने के उपरांत आरोग्य सेतु ऐप का डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो एंड्रॉयड फोन या एप्पल फोन में जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं वे अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप जब सेफ या लो रिस्क दर्शाता है तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। जिनके पास इस तरह का मोबाइल नहीं है वे 104 नंबर पर डायल करके अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि 70% लोग अगर मास्क पहनते हैं तो 100% हम कोरोना वायरस को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल में 70% से अधिक लोग मास्क पहनेंगे तथा मास्क को सही ढंग से पहनेंगे ताकि हम 100% कोरोना वायरस केसेस को हिमाचल प्रदेश में रोक सकेंगे। जब एग्जिट प्लान चलेगा हमें एक्सट्रीम कॉशियस होना जरूरी है और एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जर्मनी और साउथ कोरिया ने एग्जिट प्लान के दौरान गलती की थी और दोबारा वहां पे वायरस का वेव हुआ है। इसलिए हमारे देश में जब एग्जिट प्लान होगा हमें सतर्क रहना चाहिए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के डायरेक्शन के मुताबिक होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक अल्बुम 30 पोटेंशियल हम 3 दिन लेने से रोग निरोधक का काम कर सकता है। इसी तरह शमशम वाटी आयुर्वेदिक दवाई भी रोग निरोधक का काम कर सकता है, लेकिन ये दोनों दवाई लेने के लिए आपको आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश में हमने होम क्वारंटाइन का वायलेशंस देख रहे हैं, तमाम जिलों में हमने इस बारे में FIR दर्ज किया है। कुछ एक एक्सट्रीम केसेस को मैं इस वक्त दोहराना चाहता हूं। चंबा जिले में जो व्यक्ति वायरस का पॉजिटिव पाया गया था वो व्यक्ति अपने घर के अंदर अपनी बेटी को संक्रमित किया और बाहर पार्टी मनाते वक्त शराब पी रहा था और जिस कारण 2 और व्यक्ति संक्रमित हुए। इसमें ये भी एविडेंस हमारे पास आया है कि एक ही सिगरेट को ये लोग शेयर कर रहे थे और सिगरेट को शेयर करना जो है इट इज सुसाइडल एक्ट। ये कहते हैं कि आप भाई मुझे मार, हुक्का हो या सिगरेट हो, कभी भी एक दूसरे से शेयर इस हालात में नहीं करना चाहिए। WHO के एडवाइस के मुताबिक सिगरेट पीना इस वक्त हानिकारक है। दूसरा इंस्टेंस जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नजर आया, जहां गुजरात से वापस आया हुआ व्यक्ति नाई को बुला के अपना बाल कटवाया और वही नाई अन्य लोगों के घर में जाके भी बाल काटा। इस कारण से हमने FIR भी दर्ज किया और हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। एक और इंस्टेंस हुआ, एक JBT टीचर अहमदाबाद से अपना घर वापस आया था, उसे होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया था लेकिन वो बाहर शराब लाने के लिए निकल रहा था। उसकी पत्नी ने शिकायत की जिस पर उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और उस पर मुकदमा किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस एक दिन खत्म हो जाएगा,
आप दूसरे राज्यों में जाके नौकरी दोबारा करना शुरू करेंगे, लेकिन इन मुकदमों की वजह से आपको हिमाचल वापस आना पड़ेगा और अदालत में मुलजिम बनके कटघरे में खड़ा होना होगा। इसलिए इन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए और पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। जो व्यक्ति चंबा में दूसरों के साथ शराब पी रहा था और सिगरेट शेयर कर रहा था, उस पर हमने 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन भी लगाया। हम कठोर से कठोर धाराएं लगाएंगे और सख्ती बरतेंगे ताकि इस एपिडेमिक को हिमाचल प्रदेश में हम कंट्रोल कर सके। अधिकतर लोग होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। एक अच्छा इंस्टेंस मैं बताना चाहता हूं। जोगिंदर नगर में एक रसोई जैसलमेर से वापस आया और उन्होंने उनके घर में सिर्फ दो कमरे थे, एक कमरे में उसकी माँ और बहन रहती थी और उसने अपने घर के बाहर एक टेंट लगा के उस पर रहने लगा। इस तरह का कड़ाई से पालन करने वाले लोग भी हैं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग होम क्वारंटाइन का कंडीशंस वायलेट करते हैं उनका फोटोग्राफ ले लें और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9459100 पर भेजे और उस व्यक्ति का डिटेल भी भेजे ताकि हम उचित कार्रवाई करेंगे। इस महामारी की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर एक व्यक्ति सोल्जर है, हर एक व्यक्ति लीडर है, इसलिए हर एक व्यक्ति को एक दायित्व बनता है इस तरह का वायलेशंस के बारे में पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करने का। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200th बर्थ एनिवर्सरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 से 1856 तक क्रीमियन वार के दौरान नर्स के तौर पर काम कर रही थी। वो एक मैथमेटिशियन भी थी। उन्होंने अपना स्टेटिस्टिकल मॉडल से पता लगाया कि कुछ जगह पर, कुछ हॉस्पिटल में डेथ रेट ज्यादा है, कुछ जगह कम है, और उन्होंने यह पाया कि इसके लिए लोकल कंडीशंस जिम्मेदार है। और जब उन्होंने हैंड वॉशिंग और साथ में हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन किए हॉस्पिटल में, डेथ रेट 60% से नीचे आके 2.2% आया था और एपिडेमिक को कंट्रोल करने में वो कामयाब रही। उनसे हम सीख सकते हैं कि अगर हम आदेशों का पालन करें तो इस एपिडेमिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसने ये भी देखा है कि जो युद्ध से मरने वालों से ज्यादा एपिडेमिक से लोग मरने लगे अस्पताल में। वो रात भर एक लैंप लेके घूमती थी टेंटों में हॉस्पिटल में, उसको लेडी विद लैंप्स भी कहा जाता था। इस वक्त हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक प्लेजेंट सरप्राइज हमें हुआ है, अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक हिंदू पंडित जी को बुला के यजुर्वेदा का शांति मंत्र का पठन करवाया था और उस वक्त वाशिंगटन में उन्होंने कहा था कि इस संकट की घड़ी में भगवान एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है और भगवान ही हमें डायरेक्ट कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में 95% पॉपुलेशन हिंदूस है और बाकी 5% भी भगवान पर विश्वास करने वाले हैं। तकरीबन तमाम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। हम कन्नड़ में कहते हैं संकट बंदाग वेंकट रमणा, जब संकट आता है तो भगवान वेंकट रमण का याद आता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि गेयम गीत नाम सहस्रम देयम श्रीपति रूपम जस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। उनका कहना है कि भगवान का सुंदर रूप हृदय में रखे, हमारे मन में या होठों से उनका नाम स्मरण करें और अच्छे लोगों का संपर्क रखे और अच्छे विचार मन में रखे, और इसके लिए अच्छे किताब भी हम पढ़ सकते हैं, और गरीबों का मदद करें, एक दूसरे का मदद करें। शंकराचार्य जी नामस्मरण और सत्संग और एक दूसरे का मदद करने में इस संस्कृत श्लोक में जोर देते हैं। नामस्मरण से हमारा थॉट वर्ड्स और डीड्स प्यूरिफाई हो जाता है। भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति मृत्यु के आखिरी क्षण में मुझे याद करता है वो मेरे में लीन हो जाता है। इसलिए महात्मा गांधी जी आखिरी क्षण में कहा था कि हे राम राम, और वे भगवान में लीन हुए थे। उनका वो जो मन में जो है वही वो बोलते थे और जो बोलते थे उसी को करके दिखाते थे,
इसलिए वो महात्मा कहा जाते थे। और ये आखिरी क्षण में इतना आसान से संभव नहीं है। जैसे ओलंपिक का एक दाविक को लगातार दौड़ना पड़ता बचपन से ही, उसी तरह लगातार प्रैक्टिस करने से ही आखिरी क्षण में हम भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान का नाम में शक्ति है। कहा जाता है कि हनुमान जी का ताकत राम नाम से ही है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी एक कन्नड़ भजन गाते हैं, निन्या को निन्ना हंगा को निन्ना नाम वंदितरे साको रंगा। इसका मतलब है कि एक कृष्ण का भक्त भगवान कृष्ण को कहता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं क्यों तुम्हारे लिए एहसानमंद हूं, वाई शुड आई टेक ऑब्लिगेशन फ्रॉम यू, मेरे लिए तो तुम्हारा नाम ही काफी है। और इस तरह का कई इंस्टेंसेस भी इस भजन में है जहां पे भगवान का नाम से लोगों ने बेनिफिट पाया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान में भी लाखों लोग हैं जिन्होंने संकट में आखिरी क्षण में भगवान को याद किया और कुछ ना कुछ मिराकल उनके जिंदगी में हुआ है। इसलिए भगवान को कहते हैं आपद भांडव, जब कोई नहीं है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमारा स्ट्रेस, हमारा एंजाइटी और हमारा फियर जो है नामस्मरण से गायब हो सकता है। नामस्मरण एक पेन किलर का काम करता है, तो हम आराम से कष्ट को झेल सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग के लोग फॉर्चुनेट है क्योंकि नामस्मरण से ही वो सब कुछ पा सकते हैं। नामस्मरण जो है भगवान को समन करने का बराबर है। तो अगर हम लगातार उस भगवान को समन करते हैं, हम कभी गलत नहीं कर सकते हैं, हमेशा अच्छा काम ही करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमारा सेकेंड बैटल शुरू हुआ है। मैंने कहा था कि फेल्यूर इज नॉट फेटल, हमारे साथ भगवान है एंड वी हैव द करेज टू फाइट एंड विन दिस बैटल। धन्यवाद। जय हिंद।